तो हमारा नेक किसी तरह से हो जाए, यह हम लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और अभी मैं इनको तुरंत कहा था, यह मत समझिए कि नेक करा देंगे तो विश्वविद्यालय का मदद होगा। नेक कराना स्वयं हम लोगों की मदद है, और हम लोग अपने आप को व्यवस्थित करें, और नेक जब तक नहीं होगा फिर हमारा क्या हो चीज, हमारा अस्तित्व क्या है। इसीलिए हम लोग अपने अस्तित्व के लिए काम करें, और यह हम लोग समझें कि नेक हमारा काम है और यह काम हो के रहेगा, और यदि हम लोग चाहेंगे तो कौन चीज़ असंभव, सब चीज़ संभव है। इसीलिए यह काम हम लोग करेंगे, और डायरेक्टर साहब को आप लोग एकदम मदद करिए, और जहाँ जो विश्वविद्यालय से मदद की आवश्यकता होगी हम हमेशा खड़े हैं इसके लिए। 2017 में जो है सो पाला नोटिफिकेशन हुआ था एक डायरेक्टर के रूप में, और इसी हॉल में वो चल रहा है, अभी भी इसी हॉल में हम लोग हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ लैकिंग था जिसके कारण से हम लोग सफल नहीं हो पाए। एक बार SSR तक हम लोग गए भी, लेकिन SSR ठीक से हम लोग नहीं भर पाए, जिसके कारण से हम लोग को वहां से लौटा दिया गया। और इस बीच में कोरोना के कारण से जो है सो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। छात्र और शिक्षकों के बीच में जो एक रिश्ता था, क्लासरूम का जुड़ाव था, वो समाप्त हो चुका था, और काफी पूरा विश्व जो है सो उससे आतंकित था, जिसके कारण से हम लोग बहुत सारा काम नेट के माध्यम से के लिए नहीं कर पाए। लेकिन माननीय कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार साहब के विशेष आग्रह पर जो है सो हमने इस पद को जो स्वीकार करने का काम किया है। और चूंकि मुझे विश्वास है कि अभी के का जो सेटअप है उनका पूरा सपोर्ट जो है सो मुझे मिलेगा, चाहे कुलपति महोदय हों, रजिस्ट्रार साहब हों, और सारे हमारे जितने विभागाध्यक्ष हों, शिक्षक हों, छात्र हों, खासकर रिसर्च स्कॉलर पर मुझे भरोसा है कि उनका जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, इस भरोसा के साथ हमने स्वीकार भी किया है इसी भरोसे से कि एक बार मेरा प्रयास होगा कि विश्वविद्यालय को नेक के AQAR के लिए और SSR के लिए हम कंप्लीट रूप से जो है सो तैयारी कर चुके हैं। मेरा जो है सो एक महीना के भीतर में इसका रिफ्लेक्शन जो है सो सोसाइटी और विभाग को मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे जिस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ था उस दिन किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि ये विगत वर्षों से आपके यहाँ नेक का जो है सो ऑफिस चल रहा है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमने इतना ही कहा कि पहले जो व्यवस्था थी कुछ कारण जो है सो कोरोना काल का भी रहा, लेकिन आपको एक महीना के भीतर में हम रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, या आप बोलेंगे कि नहीं रिजल्ट दिख। कल वो पत्रकार यहाँ आए इस कैंपस में, इस हॉल को देख के गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब रिजल्ट जो है सो दिखने लगा है, आप केवल जो है सो इसके एक्टिविटीज को आप बढ़ाएंगे तो मुझे भरोसा है कि ये बेहतर प्रदर्शन होगा। तो सबसे जो बड़ी बात है नेक में, नेक का 7 क्राइटेरिया है, उस 7 क्राइटेरिया के लिए हमारे 7 जो टीचर हैं जो यंग हैं, इनर्जेटिक हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली हैं और बेहतर प्रदर्शन करके जो है सो कहीं से आए हुए हैं, उनका एक फौज मेरे साथ है। मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसे शिक्षक हमें निश्चित रूप से बेहतर जो है सो डॉक्यूमेंटेशन और बेहतर प्रोजेक्शन के लिए जो है सो वो हमको मदद करेंगे, और उन्हीं के भरोसा हमने ज्वाइन भी किया है। बल्कि हमारे कुछ शिक्षक हैं, चाहे पंचानंद मिश्रा जी हों या बीबी मिश्रा जी हों कि अमित विश्वकर्मा हों, कई टीचर हमको कह रहे थे कि आप यदि ज्वाइन कीजिएगा तभी ये सफल हो पाएगा, और हम लोग अपने दिल से सर मदद करने के लिए तैयार होंगे। और उनकी इच्छा को हमने देखा और विश्वविद्यालय की इच्छा को हमने देखा और विश्वविद्यालय की आवश्यकता को भी हमने समझा, क्योंकि विश्वविद्यालय हम लोगों का रोजी रोटी का व्यवस्था है। जब विश्वविद्यालय के ही पैसे से हमारा परिवार और हमारी व्यवस्था चलती है तो निश्चित रूप से जिसका हम पैसा जो हमको रेमुनरेशन देता है उनके रेमुनरेशन के बदले में हम उनके लिए जिस काम के लिए रेमुनरेशन देता है, जिस उद्देश्य से हमको रेमुनरेशन मिलता है, उस उद्देश्य की पूर्ति करना मेरा जो है सो सबसे पहला नैतिक कर्तव्य है। उसी नैतिक कर्तव्य को समझते हुए हमने इस पद को स्वीकार किया है, और मुझे भरोसा है कि हमको ऊपर से सपोर्ट मिलेगा। हमारे रजिस्ट्रार साहब मेरे मित्रवत हैं, और हमको लगता है कि रजिस्ट्रार साहब को जो कुछ भी होगा यही नेक में अपने कॉलेज का नेक करा के आए हुए हैं, इनको भी बहुत सारा जो है सो आइडिया है। हमारे बीच पार्वती साइंस कॉलेज आए हुए हमारे बॉटनी के विभागाध्यक्ष हैं, नेक में कोऑर्डिनेटर का काम सर किए हुए थे, इनको भी काफ़ी जो है सो इस संदर्भ में काफ़ी
अनुभव है, वो अनुभव का लाभ मुझे मिलेगा, ये विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हमने 7 टीचर का जो है सो हमने एक लिस्ट बनाया है, और आज से ही मेरा ये काम जो है सो शुरू होने जा रहा है। आधा घंटा काम इस सेरेमनी को समाप्त करते हुए हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, और कल से 7 टीचर यहाँ बैठेंगे, कंप्यूटर रहेगा, सारी व्यवस्था होगी, और वो व्यवस्था का जो है सो एक रिफ्लेक्शन जो है सो हमारे विश्वविद्यालय कुलपति महोदय तक पहुंचेगा। इसके अलावे मेरे प्रायोरिटी में स्पष्ट कर दे, मेरे प्रायोरिटी में विश्वविद्यालय का नेक कराना है। नेक का जो ग्रेडिंग होगा पहले हम विश्वविद्यालय स्तर पर देखेंगे, क्योंकि जहां हमने वर्षों से 2019 से हम इस कैंपस में है, इसी हॉल में हम हैं, जिस हॉल में आज ये बैठे हुए हैं, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और खास करके मेरा ही ये रूम हुआ करता था, सारे टीचर की इसी में बैठक होती थी, और ये सौभाग्य है कि फिर मुझे उसी रूम में लाया गया है। तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि हम विश्वविद्यालय का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, जिसको विश्वविद्यालय कैंडिडेशन कहते हैं, उसको उस पर हमारी कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई में हमारे सफल और सक्षम शिक्षक मेरे साथ हैं, और 7 टीचर को हमने 7 क्राइटेरिया जो है सो अलग अलग जो है सो हमने असाइन करने जा रहे हैं। हम लोग का जो मौखिक सहमति प्राप्त है, और 1 टीचर को 1 जो है सो क्राइटेरिया मिलेगा। हम मेरा प्रयास है कि इस बीच में हम कुछ जो मेरे साथ हमारे 7 शिक्षक के साथ एक एक जो रिसर्च स्कॉलर आ रहा है, इसमें कुछ रिसर्च स्कॉलर मौजूद भी हैं जिनको उनके साथ जुड़ना है, और वो रिसर्च स्कॉलर एक अपने को टीचर के रूप में वहाँ अपने को रखेंगे और काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि उनका भी फीडबैक लिया जाएगा नेक ऑफिस से, इसीलिए उनको भी जानकारी में होना चाहिए कि कैसा जो है सो नेक का जो है सो व्यवस्था होता है, और हमको क्या बोलना है, अपने सोसाइटी में जाए, अपने जूनियर के पास जाए, तो वो अपने को सकारात्मक दृष्टिकोण ले करके उनको फीडबैक दे कि हमको सकारात्मक होके जो है सो नेक ऑफिस से यदि फीडबैक मांगता है, ऑनलाइन मांगा जाएगा, कॉल से भी मांगा जाएगा, और ईमेल से भी मांगा जाएगा, तो वो जिस भी दृष्टिकोण से मांगा जाएगा, हमको सकारात्मक होकर के अपने विश्वविद्यालय, अपने शिक्षक, अपने जो है सो व्यवस्था के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर है। मुझे पता है कि पिछले बार हम लोग जो भर रहे थे SSR, तो उसमें जानकारी थी कि कहाँ हम कमजोर हैं, कहाँ हमें फोकस करना चाहिए। इस बीच में BN मंडल विश्वविद्यालय का जो पोस्ट ग्रेजुएट का डिपार्टमेंट है, वहाँ काफ़ी संख्या में प्रोफेसर रैंक के टीचर हैं, वो प्रोफेसर रैंक के टीचर के पास काफ़ी जो है सो पेपर है, पब्लिकेशन है, बुक्स है। उसी के साथ जो हाल में प्रमोशन हुआ है एसोसिएट रैंक में हमारे शिक्षकों को, उनको भी अपने बल पर मिला, उनके पास भी पेपर, पब्लिकेशन और जो उनके पास बुक्स है, और खास करके जो हमारे नए शिक्षक आए हैं BPSC से, उनके पास भी काफ़ी जो है सो उनका धरोहर काफ़ी मजबूत है, वो भी काफी उनका भी सपोर्ट हमको मिलेगा, और नेक कराने में हम बेहतर जो 250 मार्क्स जो होता है हमारे पास में केवल रिसर्च और इनोवेशन में, वो 250 मार्क्स में हम कोशिश करेंगे कि 250 में मिनिमम 200 पॉइंट जो है सो हमको हासिल हो, और 200 पॉइंट यदि मुझे इधर से मिलता है तो उधर मात्र 200 हमको 6 जो है सो क्राइटेरिया में हमको हासिल करना है। यदि 400 पॉइंट हम हासिल किए तो हमको बी ग्रेड का ग्रेडिंग मिलना जो है सो एकदम एक जैसे 100% गारंटी के साथ हमको मिलना ही मिलना है। इसी भरोसा के साथ हम यहाँ जो है सो अपने इस पद को हमने ग्रहण किया है, और मुझे भरोसा है चाहे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो BN मंडल के लिए एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है, जहाँ MED के टीचर हैं, BED के टीचर हैं, हमारे MED के टीचर और BED के टीचर भी काफ़ी स्ट्रांग है, उनके पास भी काफ़ी जो है सो रिसर्च और पब्लिकेशन और बुक्स लिखे हुए हैं, उनका भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है, वो भी हमको यहाँ सपोर्ट करेगा। बिलिस और एमली से में भी जो है सो काफ़ी हमारे शिक्षक हैं, इनर्जेटिक हैं, वहाँ से भी जो है सो हमको मदद मिलेगा। मुझे लगता है कि हम किसी कॉर्नर से कमजोर नहीं है, कमजोरी केवल दिखेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सजाना है, जो ही उपलब्ध है नए बिल्डिंग बनाने पर हम जोर नहीं देंगे, हम अन्य के भांति हम पैसा नहीं मांगेंगे कि हमको बिल्डिंग बना दीजिए। इतनी बात है आपको खुशी के साथ हम बताना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब भी हैं, कल जो है एग्जीक्यूटिव का फोन आया था सहरसा से, 15 स्मार्ट रूम आज इंजीनियर यहाँ आ रहे हैं नॉर्थ कैंपस में, 15 स्मार्ट रूम को बनाने की जो है सो वह पूरा अपना सेटअप लेके आ रहा, ऑर्डर उडर ही है, सब कुछ है, टेंडर हो गया था,
एक्सेप्टेड है, केवल वो हमारा 15 रूम लेगा और 15 रूम को वेल इक्विप्ड करेगा स्मार्ट रूम से। इसीलिए मेरे पास काफी जो है संभावना है, बेहतर संभावना है। उस संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि हम बेहतर कर पाएंगे, और इसी बेहतरी के साथ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग निश्चित रूप से सपोर्ट करें। प्रशासन को सपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि प्रशासन के लिए हम लोग हैं, हम लोग के लिए प्रशासन नहीं है। हम प्रशासन का काम करेंगे, प्रशासन का सपोर्ट किसी भी विकट परिस्थिति में मेरे साथ होगा, ये मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। केवल हम अपने छात्र से, अपने शिक्षक से, और खास करके जो गार्जियन लोग के टाइप है उनकी भी आवश्यकता होगी। कहीं कहीं जो है सो एक बार पूर्णिया कॉलेज की बात हुई, गार्जियन जो है सो कुछ गलत फीडबैक दे दिया, जिसके कारण से जो है वहाँ की जो टीम आई तो कहा कि आपका गार्जियन तो जो है सो जो आते हैं वो ये बताते हैं। तो उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि गार्जियन आवे तो उनको बेहतर जो है सो एक परसेप्शन लेके यहाँ से जाए, उनको लगे कि नहीं विश्वविद्यालय बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो करने के लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए, और विश्वविद्यालय प्रशासन रजिस्ट्रार साहब ये भी जो है सो अपने तरीका से देखेंगे कि कैसे हमारा बेहतर फीडबैक हो, चूंकि SSR में स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन जो सर्वे है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, वो सर्वे जो है सो काफी महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी काफी संभावनाएं हैं, वो पॉइंट भी हमारे लिए काफी जो है सो लाभदायक होगा। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से, खास करके अपने ऑफिसर से, अपने टीचर से, विभागाध्यक्ष से और रिसर्च स्कॉलर से। रिसर्च स्कॉलर को हम इसलिए समेटना चाह रहे हैं कि रिसर्च स्कॉलर हमारा केवल स्टूडेंट नहीं होगा, रिसर्च स्कॉलर जो कुछ पेपर पब्लिश करेंगे वो भी मेरे जिम्मे आएगा। स्टूडेंट तो पेपर पब्लिश नहीं करेगा MSc का, लेकिन रिसर्च स्कॉलर का जो पेपर पब्लिश होता है वो भी मेरे जिम्मे, वो भी काउंट करेगा। इसीलिए रिसर्च स्कॉलर को हम अपने साथ लेके बढ़ेंगे और उनका उम्मीद पर हम खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम पुनः आप लोगों के प्रति जो है सो आभार व्यक्त करते हैं, खास करके माननीय कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार साहब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप मेरी जो महती जिम्मेवारी हमको दिया है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जिम्मेवारी पर, आपके भरोसा पर उतर सकें। पति महोदय के आदेशानुसार मैंने नए IQAC कोऑर्डिनेटर का नोटिफिकेशन किया और नरेश बाबू को इसके लिए अधिकृत किया गया। नरेश बाबू को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य की जिम्मेदारी अपने लिए लिया है। आज उन्होंने ज्वाइन किया अपने ऑफिस को और अभी विस्तृत रूप से बताया जो NAC में क्या क्या चीज़ होता है, नहीं होता है, सब कुछ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो समय के साथ हम लोग देखेंगे, और हमको लग रहा है जो नरेश बाबू के नेतृत्व में ये काम निश्चित ही पूरा होगा। जहाँ तक विश्वविद्यालय में उनकी गतिशीलता देने की बात है, तो कुल सचिव के तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूँ जो कहीं भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, हम लोगों को इसमें एक टीम की तरह, जैसे हमारे कॉलेज में आए थे ग्रेड तो बढ़िया नहीं मिला था, लेकिन जो ग्रेड मिला वो भी हम लोग बाद में देखे कि जो उस ग्रेड तो हम लोगों के लिए ज़्यादा ही दे दिए। ये सब अपने लक एग्जाम देने के लिए बच्चे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कितनी भी तैयारी के बाद बेस्ट ऑफ लक, तो जब टीम विजिट करती है तो बेस्ट ऑफ लक ही काम करता है। हो सकता है जो उसमें इतना इरिटेशन वाले मेंबर आ गए जो आपको तंग कर दें, या इतना सहयोग करने वाले लोग हों जो उसमें सहयोग करें और आपको NAC, जैसे हम लोगों को काफ़ी सहयोगी टीम आए थे, उन्होंने हम लोगों को सहयोग करके NAC देने के लिए ही मन बना के आए थे, जैसे लग रहा था कि बहुत पिछड़ा इलाका में है, तो हमारा इलाका भी BN मंडल का भी क्षेत्र जो है जो पिछड़ा ही कहा जाना चाहिए। वो तो बाद में जब टीम विजिट करेगी, अब हम लोगों के पास मेन NAC में पहले के मुकाबले में अब हम ज़्यादा काम ऑनलाइन होना है। 70% मार्किंग ऑनलाइन होना है, 30% पीयर टीम जो विजिट करता है वो अपना देखेगा। उस 70% पीयर टीम का जो काम है, वो काम है जो हमने जो डेटा दिया है उसका वेरिफिकेशन, उसके डेटा में कोई एरर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक या सहायक प्राचार्य जो हैं, सब अपनी अपनी उपलब्धियों को प्रॉपर वे में सहेज के रखें, क्योंकि डिपार्टमेंट के लेवल पर भी और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी वो मांगते हैं, और डिफरेंट बॉडीज के जो आप मेंबर हैं,
कहीं पर आप सिंडिकेट के मेंबर हैं, कहीं पर आप मान लीजिए जैसे हम एकेडमिक काउंसिल में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोग हैं, तो वो सब काफी पॉइंट मायने रखता है। बस इसके साथ फिर से मैं कुलपति महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नरेश बाबू को बहुत मतलब दिमाग से और बहुत बुद्धिमता के साथ चुनाव किया है। ये कभी किसी काम में फेल नहीं किए हैं, इस काम में भी फेल नहीं करेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद पुनः। और यूनिवर्सिटी नैक निश्चित ही प्राप्त करेगी, नैक का बेहतर ग्रेड प्राप्त करेगी। हमारे यंग टीम जो हैं उसमें सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हीं के बल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।